हेलो बच्चों, मैं हूं आरके सिंह और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल ट्रांसेंड फिजिक्स। आज हम लोग वेक्टर के बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल पे डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपका वेक्टर लिखने के तरीके में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे किसी भी न्यूमेरिकल्स को, बेसिक न्यूमेरिकल को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि मान लीजिए मैंने आपको एक वैक्टर दे दिया। मान लीजिए मैंने दे दिया वैक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप + 4j कैप। ये एक वेक्टर मैंने दे दिया, ध्यान से देखिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको ये वेक्टर दे दिया। ठीक है, और मैंने आपसे सवाल क्या पूछा है, जरा ध्यान से देखिए। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि फाइंड वेक्टर बी, एक ऐसा वेक्टर बी निकालिए। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर बी निकालिए विच इज पैरेलल टू वेक्टर ए। एक ऐसा वेक्टर निकालिए, एक ऐसा वेक्टर को लिखिए जिसकी खासियत क्या होनी चाहिए, जो पैरेलल टू वेक्टर ए होना चाहिए। ठीक है, उस वेक्टर की खासियत क्या होनी चाहिए, वो वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए होना चाहिए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आपका 20 होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस गेम में आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, एक वेक्टर दिया हुआ है और एक ऐसा वेक्टर निकालने के लिए कहा जा रहा है जो वेक्टर बी के, सॉरी वेक्टर ए के पैरेलल होना चाहिए, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड इससे अलग होनी चाहिए। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल से एनालाइज करें तो आप जरा ध्यान से देखिए, वेक्टर ए को देखेंगे तो मान लीजिए कि ये आपका वेक्टर ए है। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, आप कुछ लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये तो आई क्या है, नहीं मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये आपका वेक्टर, या आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, कुछ गधेड़े भी है, मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है। ठीक है, अगर आप इस वेक्टर को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका लेंथ है 500, है ना। लेकिन आपको क्या निकालना है, एक ऐसा वेक्टर निकालना है बी जो ए के पैरेलल हो। ए के पैरेलल का मतलब ये ए है, तो ए के पैरेलल एक और वेक्टर आ सकता है। लेकिन इस वेक्टर बी की क्या खासियत होनी चाहिए, जो आप एक वेक्टर बी ड्रॉ करोगे तो देखो ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया। ठीक है, अब इस लाइन में एक वेक्टर बी एक लेंथ ले लीजिए, है ना, ये देखिए ये लाइन की क्या खासियत है, ये इसके पैरेलल है, है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, एक वेक्टर बी को आपको ड्रॉ करना है, देखो तो दोनों वेक्टर पैरेलल है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 20 होना चाहिए। तो अगर इसका एक्सप्रेशन ये वाला है तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, है ना, यही मुझे सॉल्व करना है। क्लियर, अगर ध्यान से देखो, एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए दो इंफॉर्मेशन काफी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यही स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन भी है, कंफ्यूज नहीं होना, यही सबसे स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है। तो सवाल उठता है सर कैसे, तो देखो वेक्टर बी तो आप मैग्नीट्यूड, है ना, आपको ये चाहिए और आपको चाहिए डायरेक्शन। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 20, तो ध्यान से देखिए ये हो गया 20, ये मैग्नीट्यूड हो गया 20, आप ऑब्जर्व कर लिए, दिस इज योर मैग्नीट्यूड 20। और अगर आप देखेंगे बी क्या, तो देखो अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में है या अलग डायरेक्शन में, तो एक ही डायरेक्शन में, तो लेट दिस बी ए कैप एंड लेट दिस बी बी कैप। अच्छा बताओ ए कैप और बी कैप सेम है कि अलग है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, है ना। तो अगर आप बी कैप की जगह ए कैप भी लिखते हो तो आपने कोई गुनाह नहीं किया है। ठीक है, तो देखो 20 ए कैप, अब ए कैप कैसे निकालेंगे, तो आपको देखो वेक्टर ए पता है, अगर आपको कोई वेक्टर पता है तो उसका मैग्नीट्यूड याद है ना, आप कैसे निकालते थे, याद होगा आपको, तो उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते थे, क्लियर है। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर दिखाता हूं, वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ऐसे लिखते थे, है ना। तो मैं यहां पे वेक्टर ए का वैल्यू लिख सकता हूं 3i कैप + 4j कैप / 5। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, यही है वेक्टर बी, समझ में आया, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस इंफॉर्मेशन को देखोगे तो आपको यहां पे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्लियर दिख रहा है। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ लोग इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, ये तरीका है लिखने का, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 हो जाएगा। सो इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं 12i कैप + 16j कैप। इन दोनों फॉर्म में क्या अंतर है, ध्यान से देखिए, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, यहां पे दोनों आंसर सही है। लेकिन इस फॉर्म की खासियत ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्लियरली रिवील हो रहा है, दिख रहा है, जबकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर, सो दैट्स व्हाई दिस इज मोर प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। खैर चलिए, ये तो समझ में आ गया कि वेक्टर ए अगर दिया हुआ है तो एक वेक्टर बी कैसे निकाल सकते हैं, है ना। एक और सवाल करते हैं, बेसिक बेसिक सवाल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं,
मान लीजिए मैंने आपको एक और वेक्टर दे दिया, टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और मैंने आपको बोल दिया फाइंड वेक्टर सी, फाइंड वेक्टर सी, एक वेक्टर सी निकालिए जिसकी क्या खास बात होनी चाहिए, ध्यान से देखिए, विच इज पैरेलल, ठीक है, टू ए, ए के पैरेलल होने चाहिए, एंड हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ठीक है, फोर टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एक ऐसा वेक्टर सी निकालना है जो ए के पैरेलल होना चाहिए और जिसकी मैग्नीट्यूड सी के कितना टाइम्स होना चाहिए, फोर टाइम्स होना चाहिए, है ना, यही तो मुझे करना है। तो देखिए, अगर आप इस बार सॉल्व करते हैं तो आपको एक चीज फिर से दिखेगा, आपको वेक्टर के लिए दो इंफॉर्मेशन चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर ये बात आपको क्लियर है तो, है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे दोनों इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, मैग्नीट्यूड के जगह फोर टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो फोर टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और सी कैप के जगह पैरेलल का मतलब क्या हुआ, ए कैप, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, फोर ये वैल्यू पता है, ध्यान से देखिए, फोर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, और यहाँ पे ए कैप का वैल्यू लिख दें, क्लियर। इस तरह से ये आपको समझ में आ जाएगा कि वेक्टर सी कैसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए एक और सवाल मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, एक और सवाल है, मान लीजिए इस बार आपको दो वेक्टर दिया हुआ है ए, ठीक है, ए के जगह दे दिया गया है, सपोज कर लीजिए 12y कैप प्लस 5j कैप, और वेक्टर बी इसके जगह दे दिया गया है 3i कैप प्लस, ठीक है, 4k कैप। ये है हमारा दो क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। इस बार क्या पूछा गया, देखिए, फाइंड वेक्टर सी, ध्यान से देखिए, एक ऐसा वेक्टर सी निकालिए विच इज, ध्यान से देखिए, विच इज पैरेलल टू वेक्टर बी, मतलब एक ऐसा वेक्टर निकालिए जो बी के पैरेलल हो एंड हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप इस वेक्टर को इस बार एनालाइज करें, मान लीजिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, मान लीजिए ये हमारा वेक्टर ए है, समझाने के लिए मैं बोलूं, मान लीजिए ये हमारा वेक्टर ए है और एक वेक्टर है हमारा बी, ठीक है, सपोज कर लीजिए ये दो वेक्टर है, तो हमें एक ऐसा वेक्टर सी निकालना है, एक ऐसा वेक्टर सी निकालना है जो पैरेलल टू बी, मतलब जो नया वेक्टर हमारा सी होगा वो किसके पैरेलल होना चाहिए, बी के, ठीक है। तो बी के पैरेलल हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर दी, ये बी के पैरेलल है, ये वेक्टर सी, लेकिन इसकी खासियत क्या होनी चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड थ्री टाइम्स ऑफ ए, मतलब इसका लेंथ जितना है उसका थ्री टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो मतलब अगर थ्री टाइम्स देखेंगे तो वन टू थ्री, थ्री टाइम्स देखो, तो ये हो गया हमारा वेक्टर सी। इस वेक्टर सी को अगर आप ग्राफिकली एनालाइज करो तो इसमें दोनों प्रॉपर्टी साथ है, इसका डायरेक्शन बी के साथ मैच कर रहा है, और सी का अगर हम लेंथ की बात करें रफली, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो सी है वो थ्री टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, है ना। तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, किसी भी वेक्टर को अगर सॉल्व करना हो तो दो इंफॉर्मेशन काफी है, ठीक है, हाँ समझ गए होगे। तो अगर इस बार हम लोग देखेंगे तो वेक्टर सी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यही दो चीज चाहिए, है ना। अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो आप देखिए क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज थ्राइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इधर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी की वैल्यू कितनी आती है देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी की वैल्यू आती है थ्री टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब सॉल्व, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, तो रूट अंडर, ध्यान से देखिए, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड दैट इज 13। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी इसकी मैग्नीट्यूड 13 होगी, है ना। तो यानी कि आप अगर यहां पे 3 इंटू 13 लिखते हैं तो कोई गुना नहीं करते हैं, एंड दिस इज 39। इस तरह से आपको वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड मिल गया, क्लियर। लेकिन सवाल है कि डायरेक्शन सी का क्या होगा, तो डायरेक्शन विच इज, ठीक है, देखो अगर हम सी कैप का बात करें तो सी कैप का डायरेक्शन बी कैप के साथ मैच करेगा, है ना। तो सी के जगह आपने लिख दिया 39, तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड 39 रख दिए, जो बता रहा है कि वेक्टर ए का थ्री टाइम्स है
और सी कैप की जगह क्या लिखेंगे, बी कैप, है ना, क्योंकि सी कैप यानी इसका डायरेक्शन डी कैप के साथ मैच कर रहा है। अब सवाल है कि बी कैप क्या है, तो ये आपका अगर वेक्टर बी है तो वेक्टर बी, बी कैप निकालने के लिए आपको क्या करना होता है पता है ना, वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, 3i कैप प्लस 4k कैप बाय मैग्नीट्यूड दैट इज 5। सो दिस इज योर वेक्टर सी, ये है आपका वेक्टर सी। इस वेक्टर की क्या खासियत है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस वेक्टर, ये इस वेक्टर का एक्सप्रेशन है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड 39 यूनिट है और इसका डायरेक्शन बी कैप के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और लास्ट न्यूमेरिकल मैं समझाता हूं, ठीक है, और जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल समझाता हूं, मान लीजिए मैंने एक ऐसा वैक्टर लिया, जरा ध्यान से सुने, ठीक है, मान लीजिए मैंने लिया वैक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, एक वैक्टर। मैंने लिया वैक्टर बी इज इक्वल टू, ठीक है, 3i कैप प्लस 4j कैप, और मैंने लिया वेक्टर सी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, ये हमारे तीन वेक्टर हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, फाइंड वेक्टर डी, आपको एक ऐसा वेक्टर डी निकालना है, ठीक है, फाइंड वेक्टर डी विच इज पैरेलल टू वेक्टर बी, एक ऐसा वेक्टर निकालिए जो विच इज एंटी पैरेलल, हर बार पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी, एक ऐसा वेक्टर निकालिए जो बी के एंटी पैरेलल हो एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, है ना। इस सवाल को जरा ध्यान से देखो, इस सवाल को देख के कुछ लोगों को शायद डर लग रहा हो, लेकिन बिल्कुल डरने की जरूरत, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन को अगर देखोगे तो आपको दो सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है ना, ये देखो, ये पार्ट आपको डायरेक्शन का ख्याल दे रहा है और ये पार्ट आपको, ठीक है, मैग्नीट्यूड का ख्याल। देखो, किसी भी वैक्टर को अगर सॉल्व करना है तो दो चीज चाहिए, किसी भी वैक्टर को सॉल्व करने के लिए मुझे दो चीज चाहिए, एक चाहिए मैग्नीट्यूड और दूसरा चाहिए डायरेक्शन, ठीक है। अब सवाल है कि मैग्नीट्यूड कहां से मिलेगा, तो देखो मैग्नीट्यूड सेगमेंट यहां से आपको कंप्लीट होगा, ठीक है, और डायरेक्शन सेगमेंट यहां से होगा। अब अगर आप मैग्नीट्यूड का ख्याल रखोगे तो देखो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो ए का मैग्नीट्यूड इसको सॉल्व कर दो तो ये आएगा आपका 3, ठीक है ना। देखो, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालोगे तो आपका आएगा 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालोगे तो ये आएगा आपका 5, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालोगे यहां से तो ये आपका आएगा 13, सॉरी ये 13 आएगा, है ना, ये 13 आएगा, और हाँ, ठीक है। तो अब देखो, तो जो आपका वेक्टर डी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो आप आराम से निकाल सकते हो, 3 + 5 = 18 + 13 = 21, यानी इसके मैग्नीट्यूड की जगह 21। लेकिन इस बार क्वेश्चन को अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो डायरेक्शन के जगह क्या चाहिए, तो देखो क्या पूछा, विच इज एंटी पैरेलल, अगर आपका ये वेक्टर बी कैप है तो मुझे वेक्टर डी कैप चाहिए इधर की तरफ, है ना, तो ये माइनस बी कैप, एंटी पैरेलल, अगर पैरेलल बोलता तो बी कैप, लेकिन मुझे एंटी पैरेलल चाहिए मतलब माइनस बी कैप, है ना, तो 21 माइनस बाहर आ गया, अच्छा नहीं लगता है देखने में, ठीक है, और बी कैप। अब अच्छा, इसका डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो, तो आपको पता होगा 3i कैप प्लस 4j कैप बाय 5, तो ये हो गया आपका वेक्टर डी, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो दिस इज योर वेक्टर डी, है ना, सो दिस विल बी योर आंसर। तो जब कभी भी आप किसी वेक्टर के बेसिक न्यूमेरिकल को एनालाइज करते हो तो ये बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।